हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आप सब से होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स में अपने चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी। तो थर्मोडायनेमिक्स में अब आता है हमारा कार्नोट इंजन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स है, ये आएगा ही आएगा। तो कार्नोट इंजन को हम और किस किस नामों से जानते हैं? तो कार्नोट इंजन के अलग अलग नाम हैं। तो हम इसकी बात कर रहे थे कि भाई इसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो इसको एक और नाम से जानते हैं, हीट इंजन, कार्नोट इंजन और रिवर्सिबल इंजन। अब इसके हिंदी में नाम देख लेते हैं। कार्नोट इंजन को तो कार्नोट इंजन ही बोलते हैं, कार्नोट इंजन। हीट इंजन को बोलते हैं उष्मा इंजन। ये चीज एक ही, अलग अलग नहीं है। रिवर्सिबल को बोलते हैं उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय इंजन। अब देखते हैं कि भाई कार्नोट इंजन होता क्या है। तो इस दुनिया में सबसे मोस्ट पावरफुल इंजन किसको मानते हैं? कार्नोट इंजन को। यानी कि हम इसको जितना ज़्यादा एनर्जी देते हैं, ये लगभग उस पूरे का क्या कर देता है, काम कर देता है। लेकिन ऐसा वर्ल्ड में कभी भी होता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ये काम कर देगा पूरा, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है कि वो खुद की एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए पहले एनर्जी लेगा, और अपनी एनर्जी इंक्रीज करने के बाद वो क्या करेगा, कोई काम करेगा। तो कार्नोट इंजन किसे बोलते हैं? जिसको हम क्या देंगे, उसमें उष्मा देंगे, उष्मा यानी कि हीट देंगे। ये हीट को किस में कन्वर्ट करेगा? यांत्रिक कार्य में। यांत्रिक कार्य यानी कि हीट, हीट को किस में कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हीट इंजन या कार्नोट इंजन। तो देखो यहाँ पे इसके पास सबसे पहले होता है सोर्स, यानी कि स्रोत। इससे क्या मिलेगी इसको? उष्मा मिलेगी। इससे इसको उष्मा मिलेगी। किसको मिलेगी? कार्यकारी पदार्थ को, कार्यकारी पदार्थ, वर्किंग सब्सटेंस। अब ये जो वर्किंग सब्सटेंस है, ये क्या करेगा? सबसे पहले तो अपनी जो एनर्जी है उसको इंक्रीज करेगा। तो एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए ये क्या करेगा? सिंक, सिंक को हिंदी में बोलते हैं कुंड। ये कुंड में क्या करेगा? अपनी कुछ एनर्जी डाल देगा, कुछ एनर्जी कुंड में यानी कि पेट में डाल देगा। अब ये क्या करेगा? कुछ हमें काम करके देगा, वर्क, डब्ल्यू। डब्ल्यू कार्य करेगा। मान लो इसको हमने कितनी एनर्जी दी है, Q1। इसने Q2 एनर्जी वो अपने पेट में डाल ली, अपने कुंड में डाल ली, और W हमें कार्य करके दे दिया। तो बस इतना सही हमारी क्या है, कार्नोट इंजन है। अब देखो ये क्या होता है, Q1 हमेशा ज्यादा होगा, Q1 हमेशा ज्यादा होगा और Q2 हमेशा कम होगा। तो Q1 क्या होगा? उच्च उष्मा, उच्च उष्मा। Q2 क्या होगी? निम्न उष्मा। अब देखो जो स्रोत है और जो कुंड है, वो दोनों ही क्या होते हैं? अनंत उष्मा के कुंड होते हैं। अनंत उष्मा के कुंड का मतलब कि इसमें हम चाहे जितनी उष्मा डाल सकते हैं। ये कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई मेरे में अब इतनी ही उष्मा डालो, नहीं, इसमें हम चाहे जितनी उष्मा डाल सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? अनंत उष्मा के कुंड, अनंत उष्मा का कुंड। सेम ही अनंत उष्मा का कुंड। अब देखो इससे हम बनाते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बनाने के लिए कि हमने इसको कितना एनर्जी दी और इसने क्या क्या किया, तो हमने इसको क्या दिया, हमने इसको दी Q1 उष्मा, Q1 हीट दी। Q1 हीट से इसने क्या क्या किया? एक तो इसने हमारे लिए वर्क किया, कार्य किया W, और साथ में इसने क्या कर दिया अपनी उष्मा, वो कुछ उष्मा अपने पास रख ली, तो प्लस Q2 यही होगा। अब इससे हम क्या बना सकते हैं W का फॉर्मूला, तो W बराबर Q1 माइनस Q2। तो ये तो आ गया वर्क,
अब हम देखते हैं कि इसकी इफिशियंसी कितनी होती है, इसकी दक्षता कितनी होती है, कितना काम कर सकते हैं। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट बटा इनपुट। इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है, इफिशियंसी को लिखते हैं ईटा से, हिंदी में बोलते हैं दक्षता। तो इसका होता है आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट इसने हमें क्या दिया है, काम दिया है, काम करके दिया आउटपुट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आउटपुट बटा इनपुट। तो आउटपुट है डब्ल्यू और इनपुट है क्यू वन, क्यू वन उसमें दिए हमने इसको। तो ईटा, ईटा बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू वन। तो डब्ल्यू की जगह हम क्यू वन माइनस क्यू टू लिख सकते हैं। तो ईटा बराबर क्यू वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन। अब यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा ईटा बराबर वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन। अब इसका मान लो एम एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, ईटा बराबर वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन। तो ये दो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्या आता है क्वेश्चन। अब देखो हम जानते हैं कि भाई जितना ज्यादा हम किसी को टेम्परेचर देंगे, किसी को जितना ज्यादा हम टेम्परेचर देंगे हीट उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि जितना ज्यादा ताप देंगे उसकी उष्मा उतनी ज्यादा होगी। तो हीट है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू समानुपाती टी, यानी कि जितना ज्यादा क्यू होगी तापमान भी उतना ही ज्यादा होगा, या तापमान जितना ज्यादा होगा क्यू उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम टी क्यू टू और क्यू वन की जगह टी टू और टी वन लिख सकते हैं। तो ईटा बराबर वन माइनस टी टू अपॉन टी वन, ये आ गया कार्नोट टेंशन का फॉर्मूला। तो इसी से क्या होता है, हमारे क्वेश्चन आता है। तो मेनली आपको ये तीन फॉर्मूलाज हैं ये याद रखना है, और ये आपके हो गया कार्नोट टेंशन कंप्लीट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो बेटर नोट।